वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे जेट एडवांस के जो इम्पोर्टेंट्स सब्जेक्ट्स यानी कि झारखंड हिस्ट्री की हम लोग जो मेन पॉइंट्स को देख रहे थे पिछले वीडियो में, आज हम लोग उससे आगे जो अदर मेन पॉइंट्स हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, जो अदर एग्ज़ाम में आपके बहुत हेल्पफुल होंगी, जैसे CGL JSSC की बात करें उसमें, और अदर जो भी JSSC के एग्ज़ाम रिलेटेड है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, साथ में शेयर करें, जो तैयारी अदर स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो भी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी, जो भी कैंडिडेट JTET PT JTET मेंस और CTET की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं, साथ ही साथ ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी करना चाहते हैं आप लोग, फ्रेश बैच में जो है स्टार्ट हो चुकी है उस पर आप जुड़ के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है झारखंड शब्द का प्रयोग सम ए सिराज आफीफ सलीमुल्ला तथा गुलाम हुसैन आदि लेखकों ने अपने ग्रंथों में किया है। सेकेंड, प्राचीन काल में जो है संथाल परगना, जो अभी वर्तमान में संथाल परगना प्रमंडल के नाम से जानी जाती है, उसका जो क्षेत्र था प्राचीन काल में वो नरीगंज तथा बाद में काकजोल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हैनसांग ने की चिंग काई लान नाम से राजमहल क्षेत्र को संबोधित किया। हैनसांग जो एक चीनी यात्री थे, वो भारत भ्रमण के दौरान उन्होंने काफ़ी चीज़ों को देखा और उन्होंने अपनी काफ़ी जो है पुस्तकों की भी रचना की, जिसमें से राजमहल क्षेत्र को उन्होंने की चिंग काई लान के नाम से संबोधित किया। नेक्स्ट है, शाहबाज खां और अब्दुल हई ने अपने ग्रंथ माफिर और उमार में इस क्षेत्र का नाम पोकरा लिखा है। झारखंड राज्य में मुख्य रूप से 32 प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं। ये JSSC के कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि झारखंड में कितनी जनजातियों का निवास है, तो 32 प्रकार की जो है जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा, जिसमें से 8 जो है आदिम जनजाति के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो कौन से 8 हैं इनको भी देखते हैं हम लोग। पहला असुर है, सेकेंड पहाड़िया पहरिया जो है, 3 माल बिरहोर, 4 खबर सबर की अगर हम बात करें तो ये 5 में जो है आते हैं, सोरिया 6 पहाड़िया, सोरिया और पहाड़िया जो है 6 में आते हैं, और विरजिया 7 और कोरवा जो है 8वां जो है आदिम जनजाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये 8 को आप याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, संथाल जनजाति के बारे में हम लोग उसके मेन पॉइंट्स को देखेंगे। संथाल झारखंड की प्रमुख जनजातियों में से मानी जाती है। झारखंड की जनजाति की अगर हम बात करें सबसे अधिक संख्या की, तो संथालों की ही है। ठीक है, प्रजाति दृष्टि से अगर देखें तो संथालों को प्रोटो एस्ट्रोलॉइड्स जो एक श्रेणी है उसमें रखा गया है। ठीक, प्रजाति और भाषिक दृष्टि से अगर देखें तो संथाल जनजाति ऑस्टिक जनजाति के बहुत ही नज़दीक है, यानी कि मिलती जुलती है। ठीक है, इनकी अगर बहुलता के कारण, अगर बहुलता की जो है बात करें, तो उसके कारण जो है राज्य का उत्तरी पूर्वी भाग संथाल परगना ही कहलाता है। क्योंकि अगर हम बात करें झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग, तो उसमें संथाल परगना की निवासियों का जो है निवास बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुलता में उनकी जो संख्या पाई जाती है, जिस कारण इसे संथाल परगना का नाम से जो के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजमहल पहाड़ियों में इनके निवास स्थल को दामिने को कहा जाता है। ठीक है, इनके निवास स्थल को दामिने को के नाम से जो है नामकृत किया गया है। राजमहल पहाड़ियों में निवास जो संथाल करते हैं उनके निवास स्थल को। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल संथाल परगना है। ठीक है, यह जनजाति संथाल परगना के अतिरिक्त कहाँ कहाँ निवास करते हैं, यानी कि किन किन जिलों में इनके अतिरिक्त इनका निवास स्थल है, तो हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, चतरा, ठीक है, रांची, सिंहभूम, धनबाद, लातेहार तथा पलामू में जो है पर भी जो है इनका निवास पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, झारखंड में अगर हम बात करें संथालों की कुल जो गोत्र हैं वो 12 पाए जाते हैं। कौन कौन सी है इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा, हाजदा, ठीक है, मुरमू, किस्कू, मरांडी, सोरेन, बास्की, टुडू, कोड़िया, बेसरा, हेम्ब्रम, चौड़े और बेंदिया। ये जो है संथाल प्रमंडल यानी कि बात करें सॉरी संथालों की जो है 12 गोत्र हैं जो ये यहाँ पे उल्लेखित किया गया है। ठीक,
आप यहाँ पे देख सकते हो, उत्तर पूर्वी जो झारखंड के उत्तरी पूर्वी जो भाग है, तो इसमें जो है संथालों की जो है बहुत, अगर बात करें तो बहुलता में उनकी संख्या पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप लोग एक एक पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद करेंगे, हर पॉइंट्स जो मेन मेन पॉइंट्स है वही मैं आप सबों से जो है इस बात करें तो सब्जेक्ट्स की जो मेन पॉइंट्स है उसी को मैं बता रही हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनके त्यौहारों की अगर हम बात करें तो वो प्रारंभ आषाढ़ महीने से हो जाती है। ठीक है, इनके कौन कौन से प्रमुख त्यौहार हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, जिनमें से कौन कौन से हैं तो बा एरोक, सरहुल, कर्मा, बंधना, हरियाट, जापाट, सोहराय, सकरात, मानसिंह और हरिहार सिंह जो है ये प्रमुख त्यौहार हैं जो ये मनाते हैं अपने, ठीक है, साल के जो महीने में आते हैं उसमें। नेक्स्ट है संथालों का, अगर हम उत्सव प्रिय त्यौहार की बात करें तो सोहराय है, ये कब मनाई जाती है, ये फसल कटने की खुशी में जो है मनाया जाता है संथालों के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा ये सोहराय फसल कटने के जो है समग्र मनाया जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है संथालों के सबसे बड़े देवता की अगर हम बात करें तो सिंह भूंगा नाम है या ठाकुर जो है ये नाम से जो है जाने जाते हैं, यानी कि कहा जाता है उनको सिंह भूंगा या ठाकुर, ये भी क्वेश्चन जेएसएससी के अदर एग्जाम में पूछे गए हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट है। संथाल समाज में ठाकुर जी को विश्व का विधाता माना जाता है, यानी कि ठाकुर जी को वो पूजते हैं और विश्व का विधाता भी मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संथालों का अगर हम बात करें दूसरे देवता जो प्रमुख है वो मारांग गुरु है। ठीक है, दूसरे पहला ठाकुर जी सिंह बोंगा और सेकंड देवता कौन है, मारांग गुरु है। ठीक, नेक्स्ट है संथालों के प्रमुख ग्राम देवता, ठीक, जाहिर एरो है जिसका निवास स्थल कहा जाता है साल वृक्षों से, यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ एक स्थान होता है जो जाहिर थान के नाम से जाना जाता है, तो ये ग्राम देवता का निवास स्थल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नाइके संथाल गांव का धार्मिक प्रधान होता है जो धर्म से जुड़ी हुई बातें और जो भी चीजें हैं वो उनके द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, गांव में तो जिनको नाइके कहा जाता है। नेक्स्ट संथाल गांव की पंचायत से जो है मांझी थान एक स्थल है जिनका नाम मांझी थान दिया गया है, मांझी थान एक स्थान है जहाँ पे बैठक ग्राम सभा ग्राम पंचायत की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मांझी संथाल गांव का प्रधान होता है, अगर क्वेश्चन आएगा कि संथाल गांव के जो प्रधान है उनका क्या किनको कहा जाता है तो मांझी को कहा जाता है। ठीक, एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बिटलाही जो शब्द अगर हम बात करें आता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है तो ये क्या है, ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है। ठीक है, बिटलाही क्या है, तो जो ये शब्द है बिटलाही इसका अर्थ जो है वो कठोर सजा से जो है संथाल समाज में सबसे कठोर सजा से संबंधित है। ठीक है, यह एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है, यानी कि कोई ऐसे जो लोग हैं संथाल जनजाति के वो अगर संथाल जनजाति से जुड़े हुए नियम कानून को तोड़ते हैं तो बिटलाही जो नामक एक कठोर सजा होती है उनको दी जाती है। इसमें जो है सामाजिक बहिष्कार जो है उनको समाज से शायद बहिष्कृत कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये उससे संबंधित है मिटलाही सब। ठीक, नेक्स्ट है संथाल जनजाति संथाली बोली बोलती है जिसका संबंध किससे है, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से है। ठीक, अब हम लोग आगे पॉइंट्स को देखेंगे। जो संथाली बोली की अगर लिपि पूछा जाए क्या है तो वो ओलची की है। अब संथाली भाषा को जो है किस अनुसूची में शामिल किया गया है ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये अगर हम देखें तो 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ये 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है संथालों में युवा गृह को घोटलू कहा जाता है। ठीक, संथाल जनजाति एक अंतर विवाही जनजाति है जिसके
बीस समगोत्र विवाह बची थी, यानी कि ये समान गोत्र में यहाँ इसमें जो है विवाह नहीं किया जा सकता है, एक ही गोत्र में वर्जित है, यानी कि मनाही है। ठीक है, ये अंतर विवाही जनजाति यानी कि गोत्र भिन्न होगा तो ही हो सकता है विवाह, ऐसा इसमें नियम शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राय संथाल में एक विवाह की प्रथा है, ठीक है, किंतु विशेष परिस्थिति में दूसरी पत्नी रखने की छूट है। इसमें जनरली एक ही विवाह की प्रथा नियम बनाई गई है, लेकिन विशेष परिस्थिति में जैसे कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो जाता है तो फिर वो दूसरी पत्नी रखने की उसमें यानी कि दूसरी विवाह करने की छूट है। नेक्स्ट, संथाल समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है, यानी कि बाल विवाह इस पर जो है वर्जित है, नहीं है। संथालों में विवाह समारोह को भापला कहा जाता है, ये भी एक बार दो बार जो है क्वेश्चन JSSC के द्वारा कई एग्जामिनेशन में जो है कोई एग्जामिनेशन में जो है पूछा गया है कि भापला क्या है, तो ये विवाह समारोह को भापला कहा जाता है। ठीक है, संथालों में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित है, कितने हैं तो याद रखिएगा 8 प्रकार की विवाह प्रचलित है। ये क्या है हम लोग देखते हैं, किरिंग भापला, किरिंग जबाई, तुनकी, दीपिल भापला, घर की जवाई, निर्बोलोक, इतुत, सांगा और सेवा विवाह, ये 8 प्रकार की विवाह प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट है, किरिंग भापला सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, इसमें जो है संथाल जनजाति में किरिंग भापला सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। ये विवाह माता पिता द्वारा अगुवा यानी मध्यस्थ के माध्यम से तय किया जाता है, यानी कि इसमें जो है इस विवाह में क्या होता है, जनरली माता पिता के द्वारा एक अगुवा मध्यस्थ यानी कि कोई आदमी के द्वारा जो है वर पक्ष और वधु पक्ष के द्वारा ये जोड़ा जाता है, उसी के माध्यम से ये विवाह अगुवा के माध्यम जिसे अगुवा कहा जाता है संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आगे देखते हैं, संथाल जो है परगना, ठीक है, में या तो फिर आप अदर जिले में भी देखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत सारे जिले में इनका निवास है, तो सभी जिले में खासकर जो है किरिंग भापला सर्वाधिक रूप से प्रचलित विवाह है, जिसके माध्यम से वो लोग अपने विवाह को करते हैं। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं, संथालों में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिए जाने वाला वधु मूल्यपोन कहलाता है, यानी कि वर पक्ष की ओर से जो है इसमें कन्या पक्ष को जो है वधु मूल्य यानी कि पैसे दिए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं पोन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है पोन क्या है, तो ये वर पक्ष विवाह के दौरान वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिए जाने वाला क्या है, ये वधु पक्ष वधु मूल्य है, जो वधु पक्ष को यानी कि कन्या पक्ष को दिया जाता है, जो क्या कहलाता है पोन कहलाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंस जो झारखंड हिस्ट्री से रिलेटेड मेन पॉइंट्स, ये आप लोग अच्छे से इसको ज़रूर देख लेना, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि कहीं से भी आपका क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है और वो छूटे नहीं अगर आप लोग अच्छे से इसको कर लेते हो तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और एक चीज़ अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल में आप अच्छे तरीके से जुड़ना चाहते हैं या फिर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ कमेंट्स में आप हमें जो है अपनी जो भी क्लास के जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है या फिर नोट्स लेना चाहते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।